बहुत हो चुका तुम्हारा तांडव, गद्दारों फौजी आ गए हैं। ए चोरो शर्म करो, तुम मरो। अगर चुल्लू भर पानी हो कीड़े पड़ेगा तुम्हारे भीतर, तो तुम सरकारों के पैसों पर कूद रहे हो। पूरे देश की आहत लगेगी, पूरे देश की जो है तुमको ऐसी हार लगेगी, तुमको जनता छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी। इस बार का चुनाव मशीन से नहीं होने देंगे, हमारी जान जाए लेकिन तूफान बचा देंगे। ये मार डालेंगे राक्षस, ये राक्षस नोच डालेंगे। आगे अगर इस बार बीजेपी आ जाती है, बैलेट पेपर पर होना चाहिए चुनाव, मशीन पर बैल होना चाहिए। तो ये ईवीएम मशीन है, ये मोदी की भाईवा पोटली से, और चुनाव आयोग उसका एक मित्र है, जिसको चाहे उसको जिताए, जिसको चाहे उसको हराए। ये ईवीएम चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे, इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों की कोड़ी होगी है। भ्रष्टाचारी चुनाव आयोग जो के प्रधानमंत्री के निरीक्षण में रहता है और उनके कहे में चलता है, जिस पर जिस प्रांत में चाहेंगे उसकी गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसकी नहीं चाहेंगे उसको हरा देंगे। ये देश के अंदर संविधान में लिखा हुआ है, भीमराव अंबेडकर ने यह हमें संविधान दिया था बोलने का और वोट डालने का। बैलेट पेपर पर होना चाहिए चुनाव, बिल्कुल मशीन पर बैन होना चाहिए इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ये जो के इस मशीन को कौन लेने वाला था, इस मशीन को कांग्रेस पार्टी ले आई थी, उसकी तो चली नहीं। अभी ये दादा बन के बैठ गए इस देश के, न मोदी सुन ले, इस ईवीएम को बंद करवा दे, उसके बाद आपके 40 एमपी नहीं आ सकते, मैं लिख के दावे के साथ कहता हूँ। और पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूँ, 22 सुरक्षित चुनाव होने चाहिए, जो हमारे न्यायपालिका का जो कह रहे हैं आवाज उठा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जो न्याय की अपनी बात रखी है चुनाव आयोग के पास, और उनके पास जो भी है वे भाई निष्पित दे। हमें सरकार बनानी है तो जवान और किसान की, जब तक बैलेट पेपर पर नहीं होगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। सैनिकों ने कमर कस ली है, प्यारे देशवासियों तगड़े हो जाओ, इनकी जो है दाग बंद कर देंगे, चिंता मत करिए। फौजी आगे मैदान में हम खड़े हैं, पूरा देश खड़े हो जाओ, पूरा देश ललकार डालो, नहीं तो ये मार डालेंगे राक्षस, ये राक्षस नोच डालेंगे। आगे अगर इस बार बीजेपी आ जाती है, आगे आने वाले चुनाव नहीं होंगे, तानाशाह हो जाएगा। ये मौका है, मौका प्यारे देशवासियों फौजी है, एक इस बार का चुनाव मशीन से नहीं होने देंगे, हमारी जान जाए लेकिन तूफान बचा देंगे। पूरे देश के सैनिक आ चुके हैं, और मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8368002355, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। प्यारे देशवासियों इतना फैला दीजिए, पूरे देश में हड़कंप मचना चाहिए। आज जो इलेक्शन कमीशन पूरे गांव गांव में बैनर लगा रहा है, दिखा रहा है कि ये बैनर लगा के ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं है, फलाना है, ठीक चुनाव है। चोर की डाली में तिनका थोड़ी देर पहले गोपाल जी ने कहा था, अगर तुम्हारी मशीन ठीक है तो तुम्हारी 15 लाख मशीन कहाँ है, वो 15 लाख हमें मशीन दिखाओ, तुम दिखाओ तुम्हारी मशीनें कितनी आई है। अरे चोरो शर्म करो, तुम मरो। अगर चुल्लू भर पानी हो कीड़े पड़ेगा तुम्हारे भीतर, जो तुम सरकारों के पैसों में कूद रहे हो, तो सरकारों के पैसे में जो तुम बिक रहे हो ना, अरे बिकाओ, तुम्हारे को कीड़े पड़ेंगे।
पूरे देश की आहत लगेगी, पूरे देश की जो है तुमको ऐसी हार लगेगी, तुम्हारे अंधे काले लंगड़े लूले पैदा होंगे। तुमको निष्पक्ष न्याय देने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तुम लोगों को बिठाया है देश ने। तुमको जनता छोड़ेगी नहीं, नहीं छोड़ेगी। प्यारे देशवासियों, हाथ जोड़ के विनती है, तूफान मचा दो। एक महीना बचा है, फौजी आपके साथ है, पूरे हिंदुस्तान की सेना ने पैर कस लिया, पेट कसा हुआ है, क्योंकि आपसे हम पैर चुके हैं। अब देश के जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम पूरे देश के अंदर जितने भी सैनिक हैं इसको पारदर्शिता से ईवीएम मशीन को हटाएंगे, बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएंगे। काले पीले कपड़े पहन के जो सपेरे घूम रहे हैं, जो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, वो सपेरे हैं, वो सच्चे संत नहीं है, वो कालनेमी संत है। सच्चे संत फौजियों के साथ है। बहुत हो चुका तुम्हारा तांडव, गद्दारो फौजिया के हैं, तुमको देश को लूटने नहीं देंगे। ऐसा ही संत महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने बचाया था, अभी सैनिकों के साथ संत महात्माओं ने शंखनाद कर चुके हैं, सच्ची पारदर्शिता लाने के लिए, लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के जवान और किसान संत सभी तैयार होकर के कमर कस के तैयार हो चुके हैं। भारत भू माता को बचाने के लिए, जन कल्याण के लिए उतर चुके हैं मैदान में। खड़ा भू माता की, खड़े हो जाओ देशवासियों, खड़े हो जाओ, भर लो अपनी रगों में जो वो सभी मकानों से, सभी मकानों से, सौगंध आप अपने माँ बाप की, सौगंध इस धरती माता की, तूफान मचा दो। आने वाले एक महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में फैल जाना चाहिए, एक व्यक्ति नहीं बचना चाहिए। इस देश में खतर मचा दिया, अब नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा।